हेलो, वेलकम टू आवर एक्सलेंस कॉन्वेंट, ई कॉन्वेंट ई लर्निंग प्रोग्राम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर साइंस सब्जेक्ट। एंड इन साइंस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग फ्लावर्स, हाउ आवर फ्लावर्स वर्क, हाउ आवर फ्लावर्स पॉलिनेशन हैज़ बीन डन विद आवर फ्लावर्स and how it germinates, and we will go to learn about all these things, about the parts of flowers and many more things regarding flowers. We have already studied many things just regarding our plants, and when we have learned about our plants, then we have already learned about animals, our animal world. And now today we are going to learn about flowers. So we will go for our chapter. So we will start our chapter. So hi friends, and hi my dear, all my dear students. So this is our Excellence Convent ad page, and many students from our schools got selected in the different national levels of schools. So yes, we will also study many things, and we will learn many things. And when we will go to learn, and we will learn each and everything, then we will also got selected somewhere else. So don't worry, just have patience and do it, whatever you can, जो आप कर सकते हैं उसे आप कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हो सकता है, so whatever labor can do, so you can do, but just do it. Don't bother about anything. आप कभी भी परेशान ना हो, and जो भी आप कर सकते हैं just आप कीजिए. एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप भी select होइएगा, किसी भी ना किसी स्कूल में ज़रूर select होइएगा. अभी थोड़ा समय विपरीत चल रहा है, कोरोना का समय है, but कहीं ना कहीं आप लोग भी select हो जाएंगे. So today we are going to learn about all these things regarding flowers. So next, this is the chapter number 7 of S. Chand book. This is of science book of S. Chand of class 4. So we will see how it works and how our flowers works. See, first of all we have to learn about something that what is flower. What is flower? Flower is a part of the tree, and in each of the tree we will get flowers, and without flowers there is no existence of fruits. Bina flowers ke किसी भी प्लांट्स में, किसी भी ट्री में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हो सकता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अ प्लांट इन विच आफ्टर फ्लावर्स फ्रूट्स आर गेटिंग, एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर हैविंग ओनली फ्लावर्स, देर आर नो एनी फ्रूट्स. सो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स के बाद उसमें फ्रूट्स होते हैं,
फल लगते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं जो जिसमें ओनली फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का ही जर्मिनेशन होता है, एंड आफ्टर फ्लावर्स देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फ्रूट्स। वो इसमें किसी भी तरह का कोई भी फल नहीं लगते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको देखते हैं कि करके कि कैसा होता है, क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारे फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, एंड इस तरह के फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं जो ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो केवल ओनली फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स नहीं देते हैं, उस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं। सो हम लोग एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे, हमारा सीड्स क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स आर द बेसिक पॉइंट्स एंड बेसिक थिंग्स टू लर्न इन दिस चैप्टर। ये सब सारा बेसिक थिंग्स है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें इस चैप्टर में एक एक लाइन करके हम लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, ओके। सो हम लोग समझते हैं विदाउट रिप्रोडक्शन हम एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मनुष्य में मीन्स इन ह्यूमन बींग्स देर आर रिप्रोडक्शन, इन एनिमल देर आर रिप्रोडक्शन, सो इन प्लांट्स ऑल्सो देर आर रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिससे आप देखते हैं जानवर में भी रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि उनके यंग वंस आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, मैन में भी बच्चे आते हैं, आप बच्चे से बड़े होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होते हैं। हाँ, वो रिप्रोडक्शन जो होते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन का कोई तो पार्ट होगा, कहीं तो है जिससे उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर्स प्लांट्स का फ्लावर्स ही वो पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, वैसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स लगते हैं उसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ना ही फ्रूट्स लगते ना ही फ्लावर्स लगते, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। सो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स होते, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स भी नहीं होते, उसके स्टेम से ही रिप्रोडक्शन होता है। ओनली स्टेम्स को काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं और उसी से उसका ग्रो कर जाता है। सो द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूट्स, क्या होते हैं, किसी भी प्लांट्स के लिए फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, जर्मिनेशन होता है प्लांट्स का, आफ्टर दैट उसमें फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स के बाद उसमें फ्रूट होते हैं, एंड फ्रूट के बाद उस फ्रूट के अंदर सीड्स होता है, और वह सीड्स फिर से जमीन पे आता है और वह दूसरे प्लांट्स का निर्माण करता है, ठीक है। सो आपको दिखाया गया है यहाँ पे द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, मीन्स लाइफ साइकिल इन द सेंस कैसे वो जर्मिनेट करता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे उसका रिप्रोडक्शन होता है, एंड अगेन वो फिर फ्लावर देता है और फिर से उसका जर्मिनेशन होता है, ठीक है।
सो आपको दिखाया है यहाँ पे जर्मिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, जर्मिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे सीड्स है और सीड से अंकुरित हुआ, जर्मिनेशन हुआ, फिर छोट थोड़ा सा बढ़ा, आफ्टर दैट इसमें देखिए लीफ आ गए, बड़े बड़े से लीफ आ गए, आफ्टर दैट यह और बड़ा हो गया और यह प्लांट मेरा बढ़ते चला गया और धीरे धीरे देखिए जाकर ये पूरा मेरा प्लांट बन गया एंड अगेन इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, ठीक है। सो फ्लावर्स के बाद फिर इसमें फ्रूट लगेंगे या सीड्स होंगे, कुछ फ्लावर्स के बाद सीड्स हो जाते हैं, फ्रूट्स उसमें नहीं होते, ऐसे भी होते हैं प्लांट्स, कुछ किसी में फ्रूट्स आ जाते हैं तो फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, इनसाइड फ्रूट्स देयर आर सीड्स। सो इस तरह से आपका जर्मिनेशन का साइकिल है। सो इसमें क्या होता है, सीड्स जर्मिनेशन, व्हाट इज सीड्स, सीड्स मीन्स बीज, जिसको हम लोग हिंदी में बीज कहते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। आप आम खाते हैं, आम के सीड्स को आप ज़मीन पे फेंक देते और फिर से वह आम का पेड़, नया पेड़ जन्म जाता। सो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, आपका जो प्लांट्स हैं, वृक्ष हैं, ट्री हैं, वो आपका सीड्स से ही ग्रो करता है। दे हैव एन आउटर सेल दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। किसी भी सीड्स के ऊपर एक सेल होते हैं, मीन्स कड़ा होता है, टफ होता है, उसका जो सेल होता है वो बहुत ही टफ होता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं। और वह सेल जो होता है उसके, उस सेल के अंदर आपके बेबी सीड्स होते हैं, मीन्स सीड्स का एक तरह से बोल सकते हैं कि वह बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट। आप अगर जो सेल को काटते हैं, तोड़ते हैं, तो अंदर से आपको सील, आपको सीड्स, बेबी सीड्स दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर सीड्स एंड जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन वी हैव ऑलरेडी रीड, वी हैव ऑलरेडी रीड, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जर्मिनेशन क्या होता है, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। दैट द ग्रोइंग ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड, ग्रोइंग ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या हुआ, द ग्रोइंग ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड, सीड से न्यू प्लांट को का ग्रो करना ही जर्मिनेशन कहलाता है। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज द ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड्स, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड्स, सीड से न्यू प्लांट का ग्रो होना, फॉर्मेशन होना ही जर्मिनेशन कहलाता है। व्हाट इज जर्मिनेशन, आप लोग समझ गए कि जर्मिनेशन इज नथिंग बट द ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड्स। ओके, व्हेन द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड गेट्स सफिशियंट अमाउंट्स ऑफ एयर एंड वाटर इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। यूजुअली द रूट्स ग्रो फर्स्ट एंड देन द स्टीम। जब भी हमारा सीड्स जमीन पे गिरता है या जमीन पर लगाते हैं एंड उसे सफिशियंट एयर मिलता, सफिशियंट वाटर मिलता, सफिशियंट सनलाइट मिलता, मींस जो भी उसके जर्मिनेशन के लिए, प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए जो नेसेसरी थिंग्स हैं, अगर जो उसे सही से मिलता है तो सबसे पहले उस सीड्स में क्या आता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स ग्रो देन स्टीम्स, पहले जो उसका जड़ है, रूट है, वो ग्रो करता है एंड आफ्टर दैट उसका स्टीम ग्रो करता है, मीन्स उसके तना निकलते हैं एंड आफ्टर दैट इट गेट्स जस्ट लाइक लीफ एंड ब्रांचेज एंड एवरीथिंग्स, फिर उसके में लीफ होते, ब्रांचेज होते, सारी चीज़ होते, ठीक है।
ठीक है। सो हम लोग क्या समझे कि किसी भी प्लांट्स के लिए विदाउट सीड्स देर आर नो एनी जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, बिना सीड्स का प्लांट्स का जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग समझे कि सीड्स से ही हमारा प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, मींस मेरा प्लांट्स का निर्माण होता है। सीडलिंग, सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग और स्प्राउट आउट बोलते हैं इसको। स्प्राउट, स्प्राउट क्या होता है? द स्प्राउट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्लांट दैट अपीयर्स अबव द ग्राउंड। जब भी हम लोग जमीन पे लगाते हैं सीड्स को, तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें एक छोटा सा, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, थोड़ा सा आपका अंकुरण के जैसा थोड़ा सा निकला, उसी को हम लोग स्प्रॉट कहते हैं। द स्प्रॉट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्लांट दैट अपीयर्स अबव द ग्राउंड। जब मेरा स्टीम थोड़ा सा निकलता है ग्राउंड से ऊपर, जमीन से ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रॉट कहते हैं। एंड दिस इज सीडलिंग, सीडलिंग एंड दिस इज द स्प्रॉट। ओके, सो आफ्टर स्प्राउट क्या होता? वह एक प्लांट में कन्वर्जन होने लगता है। सो उसके आफ्टर दैट क्या होता है? मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट क्या होता है? दिस इज द फुल्ली ग्रोन प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द सीडलिंग, मींस फ्रॉम द स्प्राउट। इट हैज ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टीम एंड लीव्स। क्या होता है मैच्योर प्लांट्स? मैच्योर प्लांट मींस यह जो मेरा प्लांट है वो वयस्क हो रहा है, मींस डेवलप कर रहा है। तो क्या होता है? सबसे पहले इसका जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद स्प्राउट निकलता है इसमें, और आफ्टर स्प्राउट इट ग्रोज इनटू मैच्योर प्लांट। यह प्लांट जो मेरा है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। मैच्योर मींस वयस्क हो जाता है, वह डेवलप कर जाता है। एंड आफ्टर दैट उसमें फ्लावरिंग होता है। आफ्टर दैट क्या होता है? फ्लावरिंग होता है। क्या होता है फ्लावरिंग? इट इज द स्टेज, इट इज द स्टेज वेयर द मैच्योर प्लांट स्टार्ट्स डेवलपिंग द फ्लावर्स। एक ऐसा स्टेज है प्लांट का जिसमें प्लांट्स आपका जर्मिनेशन, सॉरी फ्लावर्स का डेवलपमेंट शुरू कर देता है। इसमें प्लांट्स फ्लावर्स इससे निकलने लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग। क्या कहते हैं उसे? फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट। जैसे ही हमारे प्लांट में फ्लावर छोटा सा ही सही लेकिन निकलने लगा, डेवलपमेंट इसका होने लगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग। ओके, ओके, सो हमारा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीड, मेरा सीड को हम अपने सीड को अपने जमीन में अंदर डालते हैं, और उसमें क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है। आफ्टर दैट उसमें सीडलिंग निकलता है जिसको हम लोग स्प्राउट कहते हैं। आफ्टर दैट ये मैच्योर प्लांट बनता है, एंड मैच्योर प्लांट होने के बाद इसमें फ्लावरिंग होता है, ठीक है। सो पॉलिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज योर पॉलिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज योर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, वट इज पॉलिनेशन? जर्मिनेशन एंड पॉलिनेशन, नेवर कन्फ्यूज विद द जर्मिनेशन एंड पॉलिनेशन। वट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाई विच सीड्स कन्वर्टेड इन टू प्लांट्स। जब मेरा सीड्स प्लांट्स में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है, उसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। एंड वट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन, जर्मिनेशन यहाँ हुआ, एंड दिस इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या है? एक प्रोसेस बाय विच द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। जब मेरा फ्लावर्स
फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है, मीन्स फल को प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स. ठीक है. एंड जर्मिनेशन, ध्यान रखिएगा, जर्मिनेशन एंड पॉलिनेशन. जर्मिनेशन क्या कहता है? जर्मिनेशन इज द ग्रोइंग ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड्स. ग्रोइंग ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन. एंड द प्रोसेस बाय विच द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. जब मेरा सीड्स से नए प्लांट में डेवलपमेंट होता है, चेंजेज होता है, उसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं. लेकिन जब मेरा फ्लावर से फ्रूट्स में डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. द सीड्स इन द फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड अगेन दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स एंड दस द साइकिल कंटिन्यूज. क्या होता है सीड्स? क्या होता है सीड्स? इन द फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड. जब वह सीड्स, जब वह फ्लावर्स, फ्लावर्स से जब फ्रूट बनता, अब फ्रूट्स जब फिर से ग्राउंड पे गिरता है, जमीन पे गिरता है, तो फिर से उस फ्रूट के अंदर सीड्स होता है और सीड्स से फिर से न्यू प्लांट्स में डेवलपमेंट होता है, उसे हम लोग फिर से जर्मिनेशन कहते हैं. एंड अगेन आफ्टर जर्मिनेशन अगेन इट गोज टू आवर स्प्राउट कंडीशन, मीन्स इन सीडलिंग प्रोसेस. एंड आफ्टर सीडलिंग और स्प्राउट इट कन्वर्टेड इनटू मैच्योर प्लांट्स. एंड आफ्टर मैच्योर प्लांट्स इट कन्वर्टेड इनटू, इट डेवलप्ड इनटू फ्लावरिंग प्लांट. एंड आफ्टर फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग इट रिप्रोड्यूसेस, मीन्स इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स. एंड अगेन फ्रूट्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड अगेन द जर्मिनेशन प्रोसेस रिपीटेड, फिर से रिपीट हो जाता है. ओके. सो जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स एंड दस द साइकिल कंटिन्यूज. क्या होता है? आपका फिर से जर्मिनेशन होता है और फिर से नए प्लांट्स का निर्माण होता है. सो डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं सभी के सभी साल के एक ही समय में नहीं होते हैं, साल के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में उनका ब्लूम्स होता है, मीन्स वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. ओके. सो हम लोग इस साइकिल को समझते हैं कि हमारा कैसे ये साइकिल वर्क करता है. ठीक है, हमारा कैसे साइकिल वर्क करता है? हमारा सीड्स, सीड्स से यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है, यहाँ से फ्रॉम हेयर स्प्राउट. क्या होता है? सीड्स देख रहे हैं, सीड्स यहाँ से गिरा तो मेरा नया स्प्राउट हुआ, स्प्राउट हुआ, स्प्राउट से मेरा एक नए डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एक मैच्योर प्लांट मेरा बना. एंड आफ्टर मैच्योर प्लांट बनने के बाद क्या होता है? इसमें फ्लावर्स आते हैं. फ्लावर्स से क्या करते हैं? हनीबी जो मेरा पॉलिनेटर होता है, यहाँ से पॉलिनेशन की प्रक्रिया चलती है. ये पॉलिनेशन होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में. तो उस तरह से इस प्लांट से इसमें गया तो इस प्लांट से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा. सो प्लांट वन है एंड ये प्लांट टू है. ठीक है, तो प्लांट वन से प्लांट टू में गया, प्लांट टू से प्लांट वन में आया, कैसे भी आया, पॉलिनेशन हुआ. देन आफ्टर पॉलिनेशन, ए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है? ए पॉलिनेशन में क्या होता है? ए फ्रूट्स है, फ्रूट से सीड्स में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट्स में सीड्स होंगे, फिर अगेन सीड्स नीचे गिरेंगे ज़मीन पे, फिर से नीचे गिरेंगे ज़मीन पे, और फिर ए स्प्राउट बनेगा एंड फिर जर्मिनेशन होगा. यहाँ से जर्मिनेशन होगा, स्प्राउट होता है. स्प्राउट द प्रोसेस ऑफ
कन्वर्जन ऑफ सीड्स इंटू प्लांट्स और इंटू स्प्रॉट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यहाँ जर्मिनेशन होता है और आफ्टर दैट फिर से वो न्यू प्लांट बनते हैं, मैच्योर्ड प्लांट होते हैं, फिर से पॉलिनेशन होता है, फिर से ये हमारा साइकिल, ये मेरा साइकिल जो है इस तरह से चलते रहता है, ये मेरा साइकिल चलते रहता है. ठीक है, सो इस तरह से हमारा पूरा पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, सीडलिंग, स्प्राउट, मेरा सारा वर्क करते रहता है. ठीक है, तो इसको आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए. ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट आवर टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स वो ओनली फ्लावर ही होते हैं, फ्लावर के बाद सीड्स होते हैं, सीड्स के बाद फिर से उनका जर्मिनेशन होता है और फिर से वो प्लांट बनते हैं और फिर से फ्लावर बनते हैं, यही होता है, उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं. तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हुए, सो मेनली वी कैन डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सो द लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ साइकिल, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ साइकिल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. वो क्या क्या है थ्री टाइप्स, एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स. एनुअल प्लांट्स, बायनियल प्लांट्स एंड पेरेनियल प्लांट्स, थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट कंप्लीट द होल साइकिल ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स टू मैच्योर प्लांट्स एंड मैच्योर प्लांट्स मीन जर्मिनेशन होना, जर्मिनेशन के बाद मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होना, स्प्राउट के बाद मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होना एंड मैच्योर प्लांट के बाद फिर से पॉलिनेशन होना, पॉलिनेशन के बाद फिर से सीड्स होना, सीड्स के बाद फिर से स्प्राउट होना. तो इस तरह से जो पूरा कंप्लीट साइकिल है, अगर जो एक कंप्लीट साइकिल अगर जो वन ईयर में होता है, मीन्स इट कंप्लीट्स इनटू फुल वन ईयर, दिस इज नोन एज फॉर वन ईयर. सो दिस इज नोन एज एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स. सिमिलर टू दिस, अगर जो यही प्रोसेस किसी भी प्लांट्स का अगर जो टू इयर्स में कंप्लीट होता है, कितने ईयर में होता है, टू इयर्स में कंप्लीट होता है, देन इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायनियल प्लांट्स. क्या बोलते हैं, बायनियल प्लांट्स. एंड कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको पूरे साइकिल में थ्री इयर्स और मोर देन थ्री इयर्स भी लगते हैं, उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेनियल प्लांट्स. पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ. हाँ, पेरेनियल प्लांट्स क्या हुए, मैं पेरेनियल प्लांट्स के बारे में बता रहा हूँ कि पेरेनियल आर प्लांट्स दैट सर्वाइव फॉर मोर देन टू इयर्स, मीन्स मोर देन टू इयर्स, मीन्स थ्री इयर्स भी हो सकते हैं, फोर इयर्स भी हो सकते हैं, मीन्स मोर देन टू इयर्स, मोर देन टू इयर्स. सो जिस भी फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में मोर देन टू इयर्स लगते हैं उसे पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं, और जिसे टू इयर्स लगते हैं, जिस प्लांट को सर्वाइव करने में टू इयर्स लगते हैं उसे हम लोग बायनियल प्लांट्स कहते हैं, और जिस फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरे सर्वाइव करने, जर्मिनेशन टू लेकर पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन टू लेकर आफ्टर पॉलिनेशन इट कन्वर्टेड इनटू सीड्स एंड अगेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन,
So the whole life cycle, if it will complete in 1 year, that is known as annual plant, annual flowering plants. If it will complete in 2 years, that is known as biennial plants. And if it will complete in 3 years, means more than 2 years, 3 years or even more than that also. So that type of plants are known as perennial flowering plants. Okay. So these are the three types of flowering plants. Okay.